नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका इंजन, कोई भी इंजन हो, कामेट का हो, लिस्टर हो, या कोई भी इंजन हो आपका, अगर मोबिल चैम्बर में डीजल उतार रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अन्यथा आप बार बार मोबिल बदलते रहेंगे और आप पंप को सेट करवाते रहेंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा कि हमारे मोबिल में ये डीजल कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखें, आपकी पूरी जानकारी समझ में आएगी और आपको इस दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको केवल पंप खोलना होता है जिसमें प्लंजर पड़ा होता है। इसमें केवल एक ही काम होता है, पंप को आप खोल लें। इसको खोलने के बाद में इसमें जो प्लंजर होता है उसका काम होता है वो हम आपको बताएंगे अभी। ये पूरा पंप हमने खोल लिया है, ये डीबी है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसका जो प्लंजर था वो डैमेज हो गया था, इसलिए इसमें हम नया प्लंजर डालेंगे। ये 8 HP फील्ड मार्शल का पंप है दोस्तों। पंप लगभग सारे इंजनों के जो बॉडी होती है एक सेम होती है, इसके प्लंजर का साइज और डीबी का साइज बदल जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो ये नया प्लंजर लगाएंगे इसमें हम इसको धागा लगा देंगे। और दोस्तों, धागा इतना भी ना लगाया जाए कि प्लंजर सीट पर ना बैठ पाए। इसको अच्छी तरह से लपेट दिया जाता है जिससे जो ये डीजल उतारने की दिक्कत होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपके इंजन में डीजल कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि इंजन में डीजल जाने का केवल एक यही चांस होता है प्लंजर से, कि इंजन में प्लंजर से ही डीजल जाता है चैम्बर में। और इसको लगाने के लिए दोस्तों इसमें एक पॉइंट बना होता है और इसमें कट बना होता है, उस पॉइंट में ये कट को बैठना चाहिए प्लंजर को। इसको अगर सही ना हो तो सही से बैठा लिया जाता है सीट पर। प्लंजर डालने के बाद में सबसे पहले काम होता है डीबी का, फिर इसकी अब हम डीबी को लगाएंगे। इसमें एक वाशर पड़ा होता है रबड़ का, बिल्कुल सेट होता है, इसलिए अगर नहीं बैठ रहा है तो इसको हल्की सी ठोकर देकर बैठा लिया जाता है। ये है स्प्रिंग और ये है बिंजू। सबसे पहले डीबी को टाइट कर लिया जाता है, फिर इसके बाद में नीचे का पोर्शन बांधा जाता है। इसको सेट किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो राकर होता है इसमें एक पॉइंट बना होता है और जो प्लंजर की गड़ारी डाली जाती है उसका सेम टू सेम निशान में बैठना चाहिए। इसको सेट किया जाता है। अगर इसका निशान अप या डाउन हो गया तो इंजन सही से आपका नहीं चलेगा।
ये प्लंजर राड, इसको क्या होता है, जो राकर होता है उसके अपोजिट डाला जाता है, जिस साइड में प्लंजर का कट रहता है उसी साइड में इसका रखा जाता है, राकर के अपोजिट। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना पंप को सेट कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक के। बेस का कैप लगा कर टाइट कर देंगे, लॉक लगा देंगे कैप लगा कर, इसके बाद में इसको हम इंजन पर बांध कर स्टार्ट करेंगे। पंप ये मेंटेन हो गया है दोस्तों। अगर आपका भी इंजन इसी प्रकार से डीजल उतार रहा है मोबाइल में, तो आप भी यही करके आप सही कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं करता होता। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।